बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोग वो वाला फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाई जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप्स। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाई जाती है उसको हम लोग अमाइंस बोलते हैं। तो जब भी आप लोगों को अमाइंस की डेफिनेशन आए कि व्हाट आर अमाइंस, अमाइंस क्या होती हैं, तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो अमाइंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RnH2। RnH2 और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 से। ये अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RnH2। यहाँ पे R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मींस के एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तीन कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो R क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल स्टडी करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होंगी, CH3NH2, इसका नेम होता है मिथाइल अमाइन, या इसको मिथाइल अमीन भी बोलते हैं, मिथाइल अमीन या मिथाइल अमाइन भी बोलते हैं। इस तरह लिखा जाता है। इसी तरीके से R की जगह पे यहां पे मिथाइल ग्रुप था, CH3 था। अब अगर हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, एक हाइड्रोजन की जगह पे, ये यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, और अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उसकी जगह पे एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल अमीन या डाइमिथाइल अमाइन भी बोलते हैं। डाइमिथाइल अमीन। इसी तरीके से अगर तीन मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको किस तरह लिखेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं तो इसका नेम होगा ट्राई मिथाइल, तीन ग्रुप अटैच हैं और अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हैं तो ट्राई मिथाइल अमाइन। तो डियर स्टूडेंट, ये था अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अब आगे आते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस हो। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेन। कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेन पर मुश्तमिल फंक्शनल ग्रुप।
तो डियर स्टूडेंट, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और हैलोजन भी होगा। इसके अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। इसको उर्दू में लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हों, के तौर पर मौजूद हों, अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? वैसे इसका जनरल फार्मूला आर एक्स, यहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप है और X कोई भी हैलोजन है, जिसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, जबकि जो X है ये हैलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हैलोजन्स में क्या आ सकते हैं, इसको उर्दू में लिख देता हूँ, हेलो जेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैलोजेंस हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। CH3 CH2X ये क्या कहलाएगा, इथाइल हैलाइड। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हैलाइड को। अब एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, इसको बोलेंगे इथाइल हैलाइड। ये यहां तक इथाइल, दो कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, इथाइल, और एक्स हैलाइड इथाइल हैलाइड। उर्दू में मैं लिख देता हूं, इथाइल हैलाइड। और अगर आप लोग हैलोजन की जगह पे सपोज क्लोरीन लगा देते हो, तो इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, इसी तरीके से हम लोग इसको किस तरह लिखते हैं, CH3 और यहाँ पे X, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, ये
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसका मैं आईडी आप लोगों को दे देता हूँ कि ये एक्स इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये एक्स ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और यही कार्बन आगे मजीद एक कार्बन से अटैच है, तो वो वाली कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप, ये यहाँ पे एक्स क्या फंक्शनल ग्रुप है, एक्स से डायरेक्टली अटैच हो, वो कार्बन मजीद आगे एक कार्बन से अटैच हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और इसी एक्स से ये वाली जो कार्बन है, ये कार्बन जो कि एक्स से अटैच है, ये आगे मजीद दो कार्बन से अटैच है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। और इसी तरीके से अगर हम लोग CH3 और ये X, अब आप लोग इस X को देखो, इसके साथ ये डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है और इस ये कार्बन जो के X से डायरेक्टली अटैच है, ये मजीद आगे तीन कार्बन के साथ अटैच है, तीन आप लोग कहें अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टोटल कार्बन कितनी है? चार, एक दो तीन चार, टोटल कार्बन चार हैं और इसमें एक कार्बन जो कि डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है वो मजीद तीन कार्बन के साथ अटैच है तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्शरी, टर्शरी TER से ये इसको एब्रीवेट किया जाता है, शॉर्टली लिखा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो डियर स्टूडेंट, ये था वो वाला फंक्शनल ग्रुप जिसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड, इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग अल्कीन का नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स compounds consisting of double bond between two carbon atoms in their molecule are called alkene, are called as alkene, इसको हम लोग alkenes बोलते हैं। उर्दू में मैं लिख देता हूं, organic compounds ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स
जिनके मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल हों अल्कीन्स कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप लोग देखें कि दो कार्बन है और अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईथेन। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो यह कहलाएगा ईथीन। ईथीन इसी तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो तीन कार्बन है और डबल बॉन्ड में मौजूद है तो इसको बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन। तो डियर स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड की एग्जांपल थी। अब आगे आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्काइन्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अल्काइन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल हों अल्काइन्स कहलाते हैं। इसकी हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इथीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इथाइन। इसी तरीके से CH, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। तो डियर स्टूडेंट, इथाइन दो कार्बन और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग एसिटाइलीन भी बोलते हैं। एसिटाइलीन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।